सना जी जी कैसे कैसे चल रहा है आपका गणपति फेस्टिवल? सबके फ्रेंड्स के घर पे जा रहे हो दर्शन करने के लिए? एक्चुअली मैं बहुत ही क्लोज लोगों के घर जाती हूँ एंड आज मैं श्वेता के घर आई हूँ। सो क्या कहना चाहोगे? अभी तो खतरों के खिलाड़ी का फिनाले भी आ रहा है। एक्चुअली मी द बेस्ट पर्सन विन। तो आप कुछ परफॉर्मेंस कर रहे हो क्या? नहीं देखते हैं। बिग बॉस देख रहे हो क्या? नहीं नहीं कुछ टाइम ही नहीं मिलता एक्चुअली बिग बॉस देखने का। तो एंड मूड पे आता है तो लिटरली हैव टू टेक आउट टाइम टू वॉच इट। सो कभी कभार मतलब इनिशियली मैंने देखा है, अभी तो मैं देखूँ। अगर समझ लो कलर्स पे अगर बिग बॉस आ रहा है और अगर आपको एंट्री वहाँ पर मिल रही हाउस में जाने की, तो आप जाना चाहोगे? जवाब दे दो, वो आंसर दे दो। आपके फैंस आपका इंतजार कर रहे हैं। आपके कुछ आने वाले प्रोजेक्ट बोल दीजिए ना। रुक जाए फुटेज कर रहे, चलो रुक जाइए। ड्रेस के बारे में कुछ बता दीजिए। सिंपल वाइट सूट है। किसने डिजाइन किया है? एक मिनट रुकिएगा, अगर मुझे फोटो चेक कर लेते हैं। एक मिनट रुकिएगा। थैंक यू, बाय, टेक केयर। हाँ, कैसा चल रहा है आपका गणपति? बहुत बढ़िया। थोड़ा लेट हो गया आने में यहाँ पे, ये मुंबई की ट्रैफिक यार, और ये स्पेशली यहाँ पे आने में, तो लेकिन मैं अमेजिंग रहा। मामा के घर हमेशा आता हूँ, हर्षल आता हूँ मैं। सबसे पहले यहीं से शुरुआत की थी किसी के घर जाने की, तो यहाँ तो आना मतलब डेफिनेटली। मामा का नाम तो बता दीजिए। सॉरी, मामा का नाम तो बता दीजिए। तिवारी जी, श्रद्धा तिवारी। अगर मैं नहीं आऊँगा तो मतलब मेरे लिए गणपति पूरा नहीं होता है, तो हर साल यहीं आता हूँ। और कल अर्जुन भाई घर पर ही गया था, आरती वारती की, बड़ा मज़ा आया। गणपति आता है तो महाराष्ट्र पूरा मतलब चेंज करता है। सर, खतरों के खिलाड़ी का भी फिनाले भी आ रहा है सर, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? इसके बारे में एक है, गर्मी बढ़ रही है, शो हमारा नंबर वन है और ईयर भी तो एकदम हाईफाई आ जा रही है। हाँ भाई, तो शो नंबर वन है हमारा और सबने बहुत अच्छा किया है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने फिनाले के लिए, क्योंकि जो भी विनर होगा मज़ेदार होगा और आप सबको बहुत मज़ा आने वाला है फिनाले। सर, क्या देखने मिलेगा फिनाले में? आपको कुछ परफॉर्मेंस होगा कि नहीं? ये तो अभी तो पता नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला है कि नहीं, लेकिन हाँ एक चीज़ शायद सरप्राइज पैकेज में हम लोग आएंगे, शो है, आप लोगों को पता चल जाएगा बहुत जल्द। और सर, अभी थोड़े दिन पहले कुछ चर्चे चल रहे थे, आपका डिनर डेट हुआ था किसी के संग। हाँ, ट्विटर पे सब जगह चल रहा था कि आपका और सना जी का। हाँ, तो उसके बारे में मैं क्या कुछ क्लियरिफाई कर दीजिए। क्या क्लियरिफाई करूँ? फ्रेंड्स कह रहे हैं कि शादी होनी चाहिए। अरे, फैंस कह रहे हैं कि तुम लोगों ने जो शैतानी की है, एक तो मुझे शिकायत भी है तुम लोगों से बहुत। पहली बात की क्लियर कुछ नहीं करना, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, जैसा कि हमेशा कहता आया हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम आज पूछो या कल पूछो, दिन में पूछो या रात में पूछो। दूसरी बात शिकायत ये है, कह रहे यार तुम दो लोग नॉर्मल दोस्त हैं, तुम लोग पूरी दुनिया जहाँ से ये बातें पूछ रहे हो। मतलब पता नहीं, हर्ष भारती से भी, मामा जा रही थी एयरपोर्ट को, उनसे भी, ये कोई मतलब नहीं हुआ। मैं नाराज हूँ इस बात से। नाराज नहीं सर, लेकिन जो ट्विटर पर जो ट्रेंड चल रहा था, ट्विटर पे ट्रेंड चला किया जो भी है, लेकिन अगर आप कोई पर्सनल आदमी जा रहा है कहीं पे, आप उससे ये ऐसा कोई सवाल पूछते हो कहीं बिना सिर पैर का, मेरे को बहुत गुस्सा भी आया था। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग का प्यार है, आप लोग ऐसा करते रहते हो, मुझे पता है। ये भी आप पूछोगे ही फिर से, तो मैं बस इतना बता दूँ कि सना मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। सर, दोस्ती बनी रहे, हम तो वही चाहते हैं बस, यही। अरे यार, दिल की बात करी। सर, कुछ आपके अभी आने वाले सर अपकमिंग कुछ प्रोजेक्ट आपके? अभी हमने कुछ शूट किया है साथ में ही, मतलब खतरों खिलाड़ी के जितने भी कंटेस्टेंट हैं उसके साथ वो आने वाला है। उसके अलावा जो आएगा वो तुम्हें पता है यार, हम पहले से बता नहीं सकते। कुछ म्यूजिक एल्बम, टीवी शो दिला दो। कोई म्यूजिक एल्बम है तो तुम्हारे पास है कोई? मैं पूछ रहे थे। नहीं, अभी तक तो फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं। भोजपुरी में ट्राई करोगे कि नहीं बिहार में? भोजपुरी का तो हूँ ही मैं यार, भोजपुरी में ट्राई करने की क्या बात है। अगर कोई जब चेंज होगा ना तो डेफिनेटली मैं करूँगा, और डेफिनेटली भोजपुरी सिनेमा मतलब है कुछ, देखते हैं। मम्मी के बारे में कुछ बता दीजिए। मामा के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, मामा के बारे में सबको बताया कि मामा है, मम्मी घर जा रहा हूँ, जाने दो। मम्मी के बेटे की पिक्चर भी आ रही है। प्लीज प्लीज, हाँ पलक की ना। हाँ, ऑल द बेस्ट पलक, मुझे पता है बहुत अच्छा करेगी, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। लव यू ऑल। थैंक यू सर, आप आग लगा दे रहा हूँ।